इनके मौजूदा और साबिक वज़ीर-ए-आला को आज नैब ने बुलाया है, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। मुराद अली शाह और कायम अली शाह का कहना है कि उन्हें कोई नोटिस ही नहीं मिला है। आपको बताएं कि नैब ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह और साबिक वज़ीर-ए-आला कायम अली शाह को आज कराची के इलाके मलीर में सरकारी अराजी की गैरकानूनी अलॉटमेंट के मामले पर तलब किया गया। सैयद कायम अली शाह को इससे पहले 2 नवंबर और 18 दिसंबर को भी तलब किया गया था, लेकिन साबिक वज़ीर-ए-आला सिंध नैब में पेश होने की बजाय सिंध हाईकोर्ट से जमानत कबलस गिरफ्तारी करवा चुके हैं।